स्मार्ट सिटी उदयपुर में यूं तो सीवरेज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सीवरेज के पानी से लोग खासे परेशान दिखे। ऐसा ही मामला उदयपुर शहर के मनवा खेड़ा ग्राम पंचायत में सामने आया, जहां त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स इलाके में सीवरेज का पानी पिछले 10 दिनों से सड़कों पर बहता चला जा रहा है और स्थिति पिछले 2 साल से लगातार बनी हुई है। स्थानीय निवासी कपिल कोठारी ने बताया कि इस मामले को लेकर संपर्क पोर्टल, यूआईटी, सरपंच सभी को शिकायत दे दी गई, लेकिन अब तक अधिकारियों ने इस मामले की कोई सुध नहीं ली और अब देखना यह होगा कि प्रशासन आखिर कब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है। हमारे यहाँ पे ये सीवरेज का नाला कितने दिनों से खराब है, पिछले 10 दिनों से ये परेशानी हो रही है, ना किस तरह की सुनवाई हो रही है और बहुत परेशानी हो रही है आने जाने वालों को, और गाड़ियों को आ रहे हैं तो कपड़े खराब हो रहे हैं, फिसलन भी हो रही है और गाड़ी स्लिप भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और इससे बहुत परेशानी हो रही कॉलोनी को और आने जाने वाले लोगों को। ये जो नाला है इसकी हमने कई बार शिकायत कर चुके हैं, यूआईटी में शिकायत की थी तो यूआईटी में जयन ने आकर एक बार वो सिंपल सही करवा दिया, फिर उन्होंने वापस नगर निगम को फॉरवर्ड किया, नगर निगम ने वापस यूआईटी को फॉरवर्ड की, तो समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है और ये गंदा पानी है और ये हमेशा पानी निकलता रहता है, इससे कई बीमारियाँ फैलती, मच्छर हो रहे हैं, गर्मी का समय है और कई बार शिकायत करने पर भी मैंने इवन सीओ जो जिला परिषद थे उनको भी व्हाट्सएप किया था और सारी समस्याओं की जानकारी उनको बताई थी, लेकिन फिर भी वो समस्या एज इट इज है, सीवरेज लाइन टूटी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।